सीएम ने ली प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर की आपात बैठक। इसके बाद इंदौर में सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पुलिस व निगम के अधिकारियों की हुई बड़ी बैठक। लॉकडाउन को लेकर अब होगी सख्ती। विरोध करने वालों की होगी गिरफ्तारी। सब्जी, दूध और किराना को रहेगी छूट। अस्थायी सब्जी मंडी होगी बंद। शहर में केवल 20 पेट्रोल पंप ही रहेंगे चालू। उद्योग, फैक्ट्री, इंडस्ट्री से जुड़े गतिविधियां रहेंगी चालू। निर्माण कार्य होंगे बंद। ऑटो और टैक्सी से सिर्फ मरीज के परिवहन के लिए छूट होगी। शेष लोग परिवहन होंगे बंद। कल का दिन महत्वपूर्ण है। यदि हमने पहले दिन सख्ती दिखाई तो 30 अप्रैल तक इसका असर दिखाई देगा। अप्रैल तक जनता कर्फ्यू लगाया जा रहा है। ये सभी की मांग भी है, शहर में बहुत लोगों ने मांग की है और सभी स्तर पे मांगे गई हैं। सब जिस तरह की परिस्थिति है संक्रमण की, थोड़ा इसकी स्पीड को रोकने के लिए कुछ समय के लिए जनता कर्फ्यू होना चाहिए। तो कल से हम लोग उसका सुबह से इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। जनता कर्फ्यू का तात्पर्य है कि सभी लोग अनावश्यक बाहर निकले अपने घरों से, घरों में ही रहें अपने। तो उसकी तरह सुबह मॉर्निंग वॉकर्स भी बंद, कार्रवाई एक्टिविटी बंद रहेगी। सुबह से ही पुलिस रहेगी, ना कोई खेलने जाएगा, सब घरों में रहेंगे। 30 तारीख तक की बात है, घर में रहे। मॉर्निंग वॉकिंग में देखा गया है कि लोग झुंड में घूमते हैं बिना मास्क के और बहुत वायलेशन होता है और वो कहीं भी कोविड प्रोटोकॉल पालन नहीं होता है। तो मॉर्निंग वॉक बंद की जा रही है, कल से सुबह से ही शुरू की जाएगी। केवल सारे कार्यालय बंद किए जा रहे हैं, सारे चाहे केंद्र सरकार के हों चाहे राज्य सरकार के हों, सारे कार्यालय बंद रहेंगे। कोई मूवमेंट अलाउड नहीं रहेगा। केवल अत्यावश्यक सर्विसेज के जो कार्यालय हैं, फायर ब्रिगेड हो गया, नगर निगम हो गया, रेवन्यू, पुलिस या इससे जुड़े हुए जो अभी फायर इसमें लगे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, जो लगे हैं वो अलाउड रहेंगे। केवल इंडस्ट्रीज, उनके प्रबंधन जो सुपरवाइजरी स्टाफ है 25% पे आ सकेगा। नंबर टू ट्रांसपोर्ट नगर में मैंने एसोसिएशन से बोला है कि वो सीमित संख्या में कैसे ट्रांसपोर्ट गतिविधि कर सकते हैं बिना कोई हल्ला गुल्ला के या कोई कोविड का उल्लंघन, वो सुनिश्चित करें कल से। और तीसरा गोडाउन्स, तीन चीज़ ही वर्किंग हो सकेगी। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सारी बंद कर रहे हैं, वो भी नहीं हो सकेगी। सारी जो हार्ट बाज़ार फिर लगने लग गई थी, आदेश में मना किया गया था फिर भी लगने लगी थी, इनको कल सख्ती कर रहे हैं। कल से कोई भी जो हार्ट बाज़ार लगती है, चाहे चौधरा मंडी के बाहर लगे चाहे अन्य जगहों पर लगे, सख्ती से हटाया जाएगा कल इसको। इसमें थाने स्तर पर नगर निगम, मजिस्ट्रेट और TI तीन की टीम संयुक्त रूप से चलेगी। ऊपर सभी लेवल पर CSP SDM साथ में रहेंगे, एडिशनल SP DM रहेंगे। अनावश्यक रूप से मूवमेंट बहुत लोग कर रहे हैं। सब्जी किराना और दूध लेना है तो अपने जहाँ घर है उसके निकट स्थान पर जाके ही आप लीजिए। अगर कोई आपको मोहल्ले से बहुत दूर कोई पाया जाता है इस नाम से कि वो सब्जी किराना या फल खरीदने गया है तो गलत माना जाएगा। कल से अरेस्ट शुरू होगी, जो अनावश्यक पाया जाएगा उसे गिरफ्तारी होगी, अस्थायी जेल पे उनको सीधे डाला जाएगा। समझना चाहिए कि अभी क्रिटिकल स्थिति है, संक्रमण बड़े पैमाने पर फैला हुआ है और ये जो जनता कर्फ्यू है ये इस शहर के नागरिकों के हित में है और सभी को इसमें उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। ये सख्ती जो की जाएगी ये सभी के हित में है और इस युद्ध में हमको जीतना है, सभी का सहयोग अपेक्षित है। यदि कोई इसका पालन में यदि कोई गफलत करेगा तो सख्त वैधानिक कार्रवाई उसके विरुद्ध की जाएगी। इसको सुचारू करना और इसको सफल बनाना सामूहिक जवाबदारी है। मैं अपेक्षा रखता हूं कि शहर का हमें सहयोग इसमें मिलेगा। 144 का बड़ा क्लियर ऑर्डर है, उसका पालन हम अनिवार्य रूप से कराएंगे। इसमें सामूहिक तौर पर मजिस्ट्रेट्स, पुलिस और नगर निगम का अमला रहेगा और सुबह से ही इसका अनुपालन करेंगे ताकि ये आने वाले 10 दिन में हम संक्रमण की जो ये चेन है इसको तोड़ सकें और सबको सुरक्षित रख सकें।